जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का डॉक्टर ओमचो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे। उससे पहले एक बात ज़रूर कि दोस्तों, जो भी आपकी राय हो इस विषय पर वो कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। और दोस्तों, इस विषय को थोड़ी गंभीरता के पूर्वक जो भी आपकी अगर सजेशन है या राय है अपनी ओर से, तो वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे। तो दोस्तों, अकेलेपन से कैसे बचे, आपकी राशि के लिए बहुत से जातक ये बात पूछते हैं, बहुत से जो इस बारे में जानना चाहते हैं कैसे बचे। आज के इस आधुनिक दौर में अकेलापन एक बहुत बड़ी समस्या है। माता पिता अकेलेपन, क्योंकि बेटा बेटी बाहर नौकरी करते हैं, माता पिता अकेलेपन से जूझते रहते हैं, बेटा बेटी भी वहाँ जहाँ बाहर जाते हैं वहाँ नौकरी और नौकरी के बाद घर, तो एक अकेलेपन का माहौल जो आज के दौर में है वो बहुत ज़्यादा है। और वही अकेलापन आपको डिप्रेशन के शिकार कर रहा है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर अकेलापन आपके साथ इस तरह की घटनाएं घट रही है तो आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका अकेलापन कभी आप अकेला महसूस नहीं करेंगे, हमेशा आप सुपर पावर से कनेक्ट रहेंगे। पहली बात दोस्तों, पहली और मुख्य बात है कि जो अकेलापन है वो सबसे पहली वजह दिमाग का बहुत ज़्यादा सोचना। आप जितना ज़्यादा सोचेंगे, और खासकर नेगेटिव सोचना, सोचने में भी नेगेटिव सोचना, आप जितना सोचेंगे, जितना खाली बैठेंगे और जितना नेगेटिव सोचेंगे, उतना ज़्यादा अकेलापन घातक और बहुत घातक होगा। तो पहली बात करना है कि दिमाग को बिजी रखना है आपको, किसी भी छोटे काम में, बड़े काम में, या जो भी आपको अच्छा लगता है उस काम में। आप पुस्तक पढ़िएगा, कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ें या धार्मिक पुस्तक पढ़ें या चुटकुले पढ़ें या कोई अच्छे शुभ विचार लें, ये हो गया। या लिखने की एक आदत डालें, जो आपका अकेलापन है, जो आपके विचार हैं, जो सामर्थ्य है आप में अंदर, उनको किसी किताब पर, किसी कागज पर उतारना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप उतारना शुरू करेंगे ना दोस्तों, आप खुद को जानने की कोशिश कर जाएंगे और एक अलग ही आप लेवल पे पहुंच जाएंगे। ये जो पहला गुरु मंत्र मैंने आपसे शेयर किया कि अगर आप ये करेंगे, मैं डेफिनेटली कहता हूँ दोस्तों, आप 5 से 10 दिन में आपका अकेलापन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आप कुछ नया सोचें, आपको एक एक ललक हो जाएगी लिखने की और एक लालसा हो जाएगी लिखने की और कुछ अच्छा लिखने की। दूसरी बात है दोस्तों, ईश्वर का स्मरण। अगर आप ईश्वर का स्मरण कंटिन्यू करेंगे ना 5 दिन, 6वें दिन आप खुद बिजी हो जाएंगे। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बात मैं अपने ऊपर से बता रहा हूँ दोस्तों। अगर आप किसी भी ईश्वर का नाम लेंगे तो ऑटोमेटिक आप बिजी हो जाएंगे। मतलब बिजी इस तरह से हो जाएंगे, कोई मित्र मिलने आ जाएगा, कोई बात बन जाएगी और पॉजिटिव होते 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 और आपको, आप ईश्वर का नाम ही नहीं ले पाएंगे। मतलब ये नौबत आपके साथ क्रिएट हो जाएगी। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है, आपको मैंने शेयर करी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर। जय श्री महाकाल।